अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज़ अली और आप देख रहे हैं शहबाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल फेस की, यानी हमारी लाइट वगैरह ख़राब हो जाती है तो हम साकेट वगैरह पे जब भी टेस्टर वगैरह लगाते हैं तो उसमें डबल फेस आ रहा होता है। तो इसका क्या इशू होता है, ये क्या इसका फॉल्ट होता है, तो ये हमारी लाइट वगैरह क्यों काम नहीं करती, ये देखें। अभी इस सॉकेट में फेस का करंट आ रहा है, टेस्टर दोनों पर रोशन हो रहा है, लेकिन हमारा ये एलईडी बल्ब रोशन नहीं हो रहा। इसका जो मसला होता है कि हमारी ये न्यूट्रल कहीं से टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा ये दोनों फेस आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रल टूट चुकी है, फेस का करंट आ रहा है, फेस इस एलईडी बल्ब से गुजर कर वापस से न्यूट्रल वाले पॉइंट से होकर जा रहा है। अगर जब तक इसे न्यूट्रल नहीं मिलेगी तो ये फेस आता रहेगा। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारा दोनों पॉइंटों पर फेस आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहां से हमारी न्यूट्रल ख़राब है। न्यूट्रल हम ठीक करेंगे तो फिर ये हमारा एलईडी बल्ब रोशन हो जाएगी, हमारी घर की लाइट भी ठीक हो जाएगी, तो फिर फेस हमारा इधर से जाएगा और न्यूट्रल से होकर वापस चला जाएगा। तो इसके शू की एक तार निकली हुई है, जिसकी वजह से न्यूट्रल का कनेक्शन ब्रेक है, जिसकी वजह से ये फेस हमारा सॉकेट के दोनों पॉइंटों में आ रहा है। तो अभी ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसको हम ठीक करेंगे, उसके बाद हम तो फिर चला के चेक करेंगे। तो ये मैंने इसका शू इसका लगाया था बोर्ड में, तो ये देखें, एक तार निकली हुई थी, एक फेस आ रहा था जो साकंड में आ रहा था, फिर एलईडी बल्ब से होकर यहाँ वापस इस तार में आ रहा था, इसे न्यूट्रल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारा फेस इसमें घूम रहा था। तो अभी हम इसको यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा एलईडी बल्ब रोशन हो जाएगा, घर की लाइट वगैरह भी, अगर मेन मीटर से घर की तमाम लाइट भी अगर ख़राब हो जाए, इस तरह हमारा डबल फेस आ रहा हो, तो फिर हमें फिर इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी कहीं से न्यूट्रल टूटी हुई है, जिसकी वजह से ये फेस आ रहा है, तो हम आसानी के साथ इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक थी दोस्तों, आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारा प्लग ठीक हो गया, अभी मैं इसको लगाता हूँ तो फिर हम एलईडी बल्ब को देखेंगे ये काम करता है कि नहीं। ये देखें, हमने अभी प्लग को ठीक किया है तो ये हमारा एलईडी बल्ब रोशन हो गया। अभी देखें, हमारा फेस जो है एक साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट अभी इसका न्यूट्रल मिल चुका है, तो फिर फेस हमारा एक पॉइंट में ही होगा, दूसरे पॉइंट में फेस नहीं होगा। तो इस तरह से इसका डबल फेस का इशू होता है, जो आपको समझ आ गया हो कि किस तरह ये डबल फेस काम करता है। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ कि ये डबल फेस का क्या इशू होता है। ये देखें, ये हमारा पावर प्लग का एक पॉइंट है, जो हमारा एक अर्थ का पॉइंट होता है और दो, एक न्यूट्रल और एक फेस का। तो हम यहाँ से इसको फेस देंगे तो हमारा जो इस्त्री या बल्ब वगैरह लगा होगा तो उसमें से गुजरकर हमारा न्यूट्रल में से फेस होता हुआ यहाँ पे जाएगा। जब यहाँ से हमारी न्यूट्रल ब्रेक होगी या टूटी हुई होगी तो ये फेस आगे नहीं पास होगा, न्यूट्रल इसको नहीं मिलेगी, तो यहाँ इसमें फेस घूमता रहेगा, इसकी वजह से ये डबल फेस हमारा साकंड में आ जाएगा। तो जब इसको न्यूट्रल यहाँ से हम ठीक करेंगे तो फिर ये फेस यहाँ से आएगा, न्यूट्रल के रास्ते से वापस चला जाएगा, तो तब हमारा टेस्टर सिर्फ एक ही पॉइंट पर रोशन होगा, फेस के पॉइंट पर, न्यूट्रल पर ये रोशन नहीं होगा। अगर हमारी न्यूट्रल की जगह फेस ख़राब हो जाए तो फिर हमारा न्यूट्रल पर टेस्टर रोशन नहीं होता, तो हम दोनों पॉइंटों पर लगाएँगे तो तब भी हमारा टेस्टर को कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है ये हमारा फेस ख़राब है, तो फिर उसको फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से हमारा फेस का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये डबल फेस काम करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गई होगी कि डबल फेस का क्या इशू होता है और क्या फॉल्ट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।